नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल यह है कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई गलती से एक बार रजप्रवर्तनी गोली लेता है तो क्या कोई नुकसान होगा? पहले हम रजप्रवर्तनी वटी के बारे में चर्चा करेंगे। रजप्रवर्तनी वटी एक आयुर्वेदिक गोली है जो मासिक धर्म के इलाज या मासिक धर्म की अनुपस्थिति और मासिक धर्म के दौरान अल्प रक्तस्राव में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भैषज रत्नावली के अनुसार टंकणम हिंगु कासीसम कन्यासारम समांशकम कुमार स्वरसे नेवा चणक प्रमितावटी रजोरोदम कष्ट रजो वेदनाश्च तदुद्भवाह रजप्रवर्तिनी नामवटी तूर्णम विनाशयेत भाषिता नीलकंठेन वहनी काष्ठचयम यथा। रजप्रवर्तिनी वटी में यह सामग्री उपयोग किया जाता है जैसे बोरैक्स, हींग, शुद्ध कासीस और एलोवेरा। इस गोली का उपयोग एमिनोरिया या मासिक धर्म की अनुपस्थिति और डिजमेनोरिया दर्दनाक मासिक धर्म के उपचार में किया जाता है। यह मासिक धर्म को प्रेरित करने में मदद करता है, इसलिए इसका उपयोग देरी से होने वाले मासिक धर्म और मासिक धर्म में कम रक्तस्राव के इलाज के लिए किया जाता है। यह प्रीमैच्योर मेनोपॉज के इलाज में भी उपयोगी है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इसकी प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए दो और आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ रजप्रवर्तिनी वटी पर एक प्रोस्पेक्टिव ओपन लेबल मल्टीसेंटर नैदानिक अनुसंधान अध्ययन किया गया है। अगर कोई एक बार रजप्रवर्तिनी गोली को गर्भावस्था के दौरान गलती से लेता है तो क्या कोई नुकसान होगा? इस सवाल पर सबसे पहले डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए यदि आपने बिना यह जाने कि आप गर्भावती है अमेनोरिया के इलाज के लिए रजप्रवर्तिनी वटी ले ली है तो सिर्फ एक गोली के साथ गर्भावस्था में कोई नुकसान नहीं होगा। इस गोली का उपयोग महिला बांझपन के इलाज में किया जाता है, इसलिए इस दवा को लेने के दौरान भी गर्भधारण कर सकता है। एक बार गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद इस गोली को बंद करना अच्छा है। गर्भावस्था के दौरान इसका कोई फायदा नहीं होता है। एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के बिना इस गोली के सेवन करना उचित नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अमेनोरिया भ्रमित हो सकता है, इसलिए जब भी किसी रोगी को अमेनोरिया होता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उसके निर्देशों का पालन करना सबसे अच्छी बात है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।